सोनीपत लोकसभा के प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मिनी सचिवालय में नामांकन भरने पहुंचे। नामांकन के दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी शामिल रहे। नामांकन से पहले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जनसभा को भी संबोधित किया। मनोहर लाल खट्टर ने कहा, देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पार्टी का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। जनता के उत्साह और प्यार के कारण अच्छे मार्जिन के साथ भाजपा जीत दर्ज करेगी। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने वायनाड को धोखा दिया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि वायनाड से राहुल गांधी को हार मिलने वाली है और हार उन्हें सता रही है और यही उनकी बौखलाहट है। कांग्रेस की गुटबाजी चुनाव रहने तक बनी रहेगी। के प्रत्याशी के तौर पर मैंने नामांकन किया है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और नौ के नौ विधानसभाओं के सभी नेता, दो हमारे राज्यसभा के सांसद, हमारे हरियाणा सरकार के पंचायत मंत्री महिपाल जी, सभी ने आके और पूरी जनता ने पूरे मन के साथ, दिल के साथ, पूरे उत्साह के साथ मुझे आशीर्वाद दिया है। और आज सोनीपत के सड़कों पर जिस प्रकार की भीड़ उमड़ी है, हमें लगता है एक तरफा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे हैं जी। कांग्रेस के कोई ना कोई उम्मीदवार तो पार्टी का होगा। मैंने तो स्वागत किया था उस दिन भी। ब्रह्मचारी जी आए हैं, अच्छा है। कांग्रेस ने उम्मीदवार लेट में दिया, पर दिया तो वो तो एक रहे से कि हम। देखो, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात कांग्रेस के साथ हो रही है, और कांग्रेस पार्टी अगर इस प्रकार के बयान नहीं देगी तो वो तो बिल्कुल जमीन में बैठे हुए हैं और भी बैठे जाएंगे नीचे। थैंक यू किया उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाभाविक है कि देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक निरंतर ग्राफ बढ़ रहा है। पहले भी 10 साल से मोदी जी राज कर रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जनता का जो रिस्पांस मिल रहा है उसको देख करके जो हमने टारगेट रखा है, मोदी जी को आह्वान किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की 370 सीटें और एनडीए को बाकी दलों को मिला करके 400 पार का जो एक विषय है, निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे, पार करेंगे। और उसमें भी हरियाणा की 10 सीटों का योगदान, 10 सीटें सोनीपत समेत, रोहतक समेत, करनाल समेत, सब सीटों को मिला करके 10 हरियाणा का जो हमने मोदी जी को गारंटी दी है उसको पूरा करेंगे। और अच्छे मार्जिन से जनता जो प्यार दे रही है, जो उसका उनका उत्साह हम देख रहे हैं, ये टारगेट पूरा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए इसमें क्योंकि ये कोर्ट का मामला है, तो कोर्ट के मामले में किसी बात पर टिप्पणी करना अच्छा नहीं है। कोर्ट ने ही बड़ा घोषित किया था, कोर्ट ने ही जमानत दी है। ये विषय एक जुडिशियल या जिसको कहना चाहिए लिटिगेशन कोई भी विषय होता है, कमेंट करना ठीक नहीं। कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि बीजेपी अब की बार हरियाणा से 10 नहीं बल्कि 2 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस की बात हमारे को क्यों डालो भाई, आप अपनी बताओ, जनता से पूछो। राहुल कौन सा, वायनाड नहीं, वायनाड कहाँ से पहले भरा, वायनाड को तो उन्होंने धोखा दिया। वायनाड से तो पता लगा कि हाँ भी वो वहां से हार नहीं आने वाले हैं, लेकिन चूंकि एक वायनाड से पहले से वो सांसद है द्वारा बने उनके उनको पता है कि हार उनको सता रही है। उनके बोकलाट में से उन्होंने रायबरेली से फार्म भरने के लिए तय किया है, शायद भर दिया ये भरेंगे। ये एक प्रकार की उनकी बोकलाट और हार है। इस हार को निश्चित रूप से हम इसी ढंग से देखेंगे कि पिछली बार उनकी 52 सीटें आ गई और 450 से ऊपर सीटों पर उन्होंने लड़ाई लड़ी। इस बार उनकी लड़ाई ही 350 पर बन रही है, बाकी दूसरे दलों में बट गई है। उनकी अपनी सीटें तो 52 से भी कम आएंगी ऐसा मुझे लगता है। तो बंदरगढ़ ने कहा कि सोनीपत में इसके बारे बदला लेने का टाइम है, ब्रह्मचारी कोई मैदान में बता रहा है। आपको मैंने बताया ना कि किसी विपक्ष के नेता की बात हमारे को निकालेंगे अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जनता जो कहने लगी है वो कहती है कि अगर हमने किसी दोनों भाइयों में से, मतलब आज मंच पर भी कहा है कि लोग को अपने आप को कहते हैं मैं आपका भाई हूँ, लोग कहते हैं मोहनलाल जी हमारा भाई है, लेकिन अगर हमने अपने भाइयों से भी चुनाव लड़ना है तो दूसरी जो तुलना उन्होंने की है कि एक भाई राहुल गांधी का भाई है, एक भाई मोहनलाल का भाई, अपना नरेंद्र मोदी का भाई है, तो हम नरेंद्र मोदी के भाई को देंगे, राहुल गांधी के भाई को क्यों देंगे? क्यों, चुनाव तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में है, दो भाइयों में या दो इस प्रकार के लोगों में नहीं है कि जनता को इधर सोचना पड़े। जनता तो ये सोचती है कि हमने प्रधानमंत्री किसको देखना है, प्रधानमंत्री के नाते से जो 10 साल राज हुआ उसको और आगे बढ़ाते हुए जनता का एक मानस बना है। मोदी जी की गारंटी है जीवन व्यवस्था को सुधर, यानी साफ सुथरा करना, आगे बढ़ाना,
देश को और आगे बढ़ाना, और हमारी गारंटी है कि हरियाणा से 10 के 10 सीटें हमको दें। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।